हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो आई होप यू आर आर डूइंग फाइन एंड आप लोग टाइटल से पढ़ चुके हो कि आज का वीडियो क्या होने वाला है एक्सक्यूज़ में अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से गानों की आवाज़ आ रही होगी तो आई विल ट्राई टू एडिट इट एज मच एज़ पॉसिबल क्योंकि नीचे दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन चल रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूजिक चल रहा है बट आई हैव टू कम्प्लीट दिस वीडियो क्योंकि टाइम जाते जा रहा है एंड मैंने काफ़ी टाइम पहले मीशो से कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए थे मैंने काफ़ी सारे किए थे बट कुछ में ना इश्यूज आ गए थे एंड देन इनकी डिलीवरी ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो रही थी तो मैं जो रिटर्न कर चुकी हूँ उनकी मैं शूट नहीं कर पाई कि क्या प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली बट मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को लाइक ये हॉल दिखाने के बाद आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने और क्या मंगाया था

पैटर्न है बट इधर ऐसे बांधने का नहीं है वो सिर्फ शो के लिए ही है सो इट इज़ ए ब्यूटिफुल लाइक फ्रॉक सूट टाइप अनारकली जैसा है कॉटन का एंड इसके नीचे सिमिलर कलर का पजामा है एंड देन यू गेट दिस ब्यूटिफुल कॉटन का दुपट्टा विद रेड एंड वाइट बस मुझे इसमें ना ये अच्छे नहीं लगे जैसे कॉटन बॉल्स जैसे लगा रखे ना ये बहुत चीप सा लग रहा है तो इनको शायद से मैं रिमूव कर दूंगी ये ना बिल्कुल ऐसा पूजा अप्रोप्रिएट था मुझे दुर्गा पूजा से पहले हॉल डालना था बट इनकी डिलीवरी आते आते लेट हो गया एक्सचेंज वगैरह भी कराने पड़े थे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि साइज़ मीशो का इज़ लाइक like, मैं क्या ही बताऊँ क्योंकि जैसे मेरे को यूजली मीडियम आ जाता है सारी चीज़ें में लाइक एवरी ब्रांड आई बाई मीडियम एंड इनका मैंने साइज़ स्टार्ट चेक करके मीडियम एंड लार्ज ऑर्डर किया था मीडियम टू लार्ज मेरा साइज़ गया था एंड फिर भी इनके सारे कपड़े मुझे टाइट हो गए थे तो मुझे सब में Uh, एक से दो साइज़ अप करना पड़ा था तो मेक श्योर कि इनमें से आप कुछ भी मंगा रहे मंगा हो तो एक साइज ऊपर ही मंगाओ क्योंकि ये बहुत टाइट हो जा रहा था सो येस दिस इज द फर्स्ट पीस इसकेंड आउटफिट है ये ब्यूटिफुल सा पीस ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था तो ये इनिशियली मैंने मतलब मंगवाया था वो थोड़ा सा टाइट था तो मैंने अपने लिए भी एक साइज़ अप मंगाया ये दिस वन इज फॉर माय मॉम एंड इसमें यहाँ पे इतनी सुंदर डिटेलिंग दे रखी है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ऐसा गोल्डन वर्क है एंड ये गोल्डन भी बहुत ज़्यादा चटाक गोल्डन नहीं है बहुत ही ऐसा सटल सा गोल्डन है एंड देन इस पूरी कुर्ती पे ऐसे ऐसे ब्लॉक प्रिंट्स है ऐसे डॉट 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 वाले एंड इसकी स्लीव पे भी ऐसा गोटा लगा रखा है तो मतलब काफ़ी हैवी इसका लुक आता है यू कैन वेयर इट टू पार्टीज़ एंड ऑल शादी वादी में भी पहन सकते हो एज ए गेस्ट अगर आपके ऐसे बहुत क्लोज वालों की शादी नहीं है एंड देन पूरे इसके एंड में भी ऐसे लगा हुआ है एंड साइड में भी लगा हुआ है आप ट्राई ऑन में देखो इसका जो स्लिट है ना ये काफ़ी ऊपर तक जाता है इसको नायरा कट बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चला हुआ है एंड देस पीस लुक्स सोप रिटी बहुत ही ज़्यादा इसका सुंदर ऐसा देखने में लुक आता है अनारकली टाइप्स बट ये अनारकली नहीं है स्ट्रेट कट सूट है एंड देन इसके नीचे पजामा आता है ये आई थिंक रेऑन मटेरियल में है एंड देन ये जो पजामा है ऐसा स्ट्रेट पजामा है एंड देन इसमें भी नीचे ऐसे गोल्डन थ्रेड लगा है तो लाइक like, कंप्लीट ऐसा अच्छा सा लुक आता है एंड देन यू get दिस दुपट्टा ये दुपट्टा मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया मीशो के दुपट्टे कभी भी फुल साइज़ में नहीं होते सब पतले ओ ये अच्छा है ये फिर भी बड़ा है मेरे वाले के साथ जो आया था वो काफ़ी छोटा था और बहुत ज़्यादा रिंकली रिंकली सा था तो दिस इज़ दैट नॉर्मल आपका का शिफॉन वाला दुपट्टा एंड इसके भी एंड में ऐसे गोटापट्टी लगा हुआ है तो मुझे ये वाला सूट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया द नेक्स्ट पीस दैट आई गॉट इज दिस ये मैं धो के पहन चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा बार इसको मैं अभी तक पहन चुकी हूँ सबसे पहले डिलीवर हो गया था और मेरे साइज़ में भी एकदम परफेक्ट आया तो ये एक ब्यूटीफुल से पिंकिश कलर में है ऐसा रानी पिंक टाइप का कलर है इसका एंड ये एक शॉर्ट कुर्ती है ऐसा टॉप जैसा पेपलम इफ़ेक्ट है इसका तो मैं ऐसे शॉर्ट कुर्तीज़ यूजुअली पहनती नहीं हूँ तो बट ये बहुत सुंदर लग रही है इसको प्लाजो के साथ भी पैर कर सकते हो जीन्स के साथ भी कर सकते हो थ्री फोर्थ स्लीव है एंड स्लीव में भी यहाँ पे ऐसे छेद 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 वाली नेट की लेस लगी हुई है एंड सिमिलरली दो तरफ लगी है एंड इसके नेक पे भी यही सेम डिटेलिंग है अगेन इसका मटेरियल भी प्योर कॉटन है इसको तो मैं धो धो के भी पहन चुकी हूँ दो तीन बार बस वही है कि इसके भी जो एंड में जहाँ पे पेप्लम एंड होता है ना ये नीचे सबसे ये लगे हुए हैं तो ये तो मैं हटा दूँगी ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए बट अदर देन दैट इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रटी है अगर आपको नहीं पसंद कि आप ऐसा बहुत यू नो चम चमचम वाले आउटफिट्स पहनो और दिवाली वगैरह पे भी या ऐसे भी तो आप ऐसे वाले कॉटन के कुर्ते पहन सकते हो बहुत सुंदर लगते हैं एंड इनको आप स्टाइल अप और स्टाइल डाउन दोनों ही कर सकते हो इनको आप ऑफिस वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो सो येस दिस इज़ अ वेरी वेरी वर्स्ट पीस एंड आई इज़ रियली रियली लाइक इट इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल थे इन सब में ही काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे तो यू कैन चेक आउट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस तो मैंने नेक्स्ट मंगवाया ये कुर्ता ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है हर जगह मैं ये ब्लैक एंड वाइट चिकनकारी देख रही थी तो मैंने मीशो से मंगा लिया गया ने, इसका थोड़ा सा साइजिंग इशू आया था फिर मैंने एक साइज़ अप मंगा लिया अभी भी मुझे हल्का फुल्का टाइट हो रहा है बट अब चल जाएगा एंड ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा इसका एक्सचेंज का विंडो भी बंद हो गया तो अब मैं इसको ऐसे ही काम चला लूंगी तो ये एकदम लॉन्ग कुर्ता है एंड ये भी नायरा कट में है इसका भी जो स्लेट है वो काफ़ी इधर तक है बट इसकी जो मुझे बेस्ट पार्ट लगी कि इसकी जो स्लेट होने के बाद भी ऐसा पूरे नीचे तक ये गया है इस पूरे में आगे और पीछे दोनों में ये गोटा लगा हुआ है ब्लैक कलर का प्लस इसकी थ्री फोर्थ स्लीव्स हैं एंड इसमें भी पूरा ऐसे वर्क दे रखा है ये पूरा थ्रेड वर्क है ये लेस नहीं है ये पूरा थ्रेड वर्क है तो ये काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छा टिकेगा ये कुर्ता इसका मटेरियल भी ठीक है मतलब कॉटन नहीं है आ, थोड़ा ऐसा है कि धंस सकता है आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं मतलब ऐसे ऐसे धागे धागे निकल जाएंगे अगर ज़्यादा तेज़ खिंच गया तो बट अदर देन दैट काफ़ी कम्फर्टेबल है उतना सी थ्रू नहीं है आप चाहो तो इसके अंदर स्पेगेटी पहन सकते हो बट उसके बिना भी इतना कुछ ऐसा अंदर से विजिबल नहीं है तो इसका जो नेक है उसमें अगेन ऐसा ट्राइंगल वाला डिटेल है और पूरे इसमें यहाँ तक वर्क है नेक का बहुत ही सुंदर ब्लैक थ्रेड से वर्क है ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है उसके अलावा ये पूरे कुर्ते पे ऐसे छोटे 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 फ्लावर्स बने हुए हैं तो ये वाला कुर्ता पहन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगेन इसको आप प्लाजो के साथ या जीन्स के साथ कैसे भी पेयर कर सकते हो और ये वाला कुर्ता बहुत स्मार्ट लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका लुक आ रहा है यू कैन स्टाइल इट अप स्टाइल इट डाउन हव एवर यू वॉन्ट मुझे ये वाला पीस काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कम्फर्टेबल है बस हल्का सा मुझे टाइट हो गया आई नीड टू लूज वेट मैं कपड़ों को भी ब्लेम नहीं कर सकती ज्यादा बट येस आई लव दिस पीस एंड इट वॉज वेरी अफोर्डेबल इज वेल सो द लास्ट पीस दैट आई हैव विद मी राइट नाउ इज दिस अनारकली पीस वन ऑफ माई एप्सल्यूट फेवरेट्स तो ये इतना सुंदर है ऐसा पेस्टल पिंक एंड येलो इसकी डिटेलिंग में ये फुल स्लीव्स है इसमें यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे तो गोटा पट्टी लगी हुई है इसकी नेक में भी वही गोटा पट्टी लगी है पूरे उसमें उससे कुछ काम नहीं है पूरा ऐसा ये यहाँ तक इसका बस टीरिया है एंड देन ऐसा बहुत फ्लोई फ्लोई सा इसमें अनारकली है तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है एंड इसमें पीछे से बांधने के लिए डोरी भी दे रखी है एंड लुक एट द लटकन कितनी सुंदर लटकन लग रही है तो ये पूरा ही पीस काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा एकदम टी वी सीरियल की बहू वाली वाइब्स दे रहा है एंड इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा सुंदर है ये आई थिंक शिफॉन मटीरियल में है शिफॉन या जॉर्जेट एंड इसका पूरा दुपट्टा भी सेम ऐसा है एंड इसके दुपट्टे के एंड में ऐसे छोटे छोटे गोल्डन गोल्डन कलर के ये लगे हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और साथ में है इसका पजामा ये कॉटन का लग रहा है मुझे एंड ये ऐसा नॉर्मल बेस चूड़ीदार पजामा है जो कि मुझे पसंद नहीं आते बट हाँ इसका भी मटेरियल सही है तो ये भी काफ़ी अच्छा था अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो पीसेस जो मैंने ऑर्डर किए थे बट ड्यू टू सम इशू और अदर मैंने वो रिटर्न कर दिए तो सबसे पहले ये पील कलर की कुर्ती थी मैं यहाँ पे आपको फोटो दे दूँगी तो मैंने ये मंगवाई एंड मुझे गलत कलर में आ गई थी ये पिंक कलर में आ गई थी बट वो कलर भी ठीक ठाक ही लग रहा था आई वाज लाइक अगर साइज़ वगैरह का इशू नहीं होता तो शायद मैं आप लोगों को एटलीस्ट वीडियो में दिखा देती और पहन लेती उसको बट वो मटीरियल उतना कुछ अच्छा नहीं था टाइट था एक तो मुझे आ, उसके अलावा वो ऐसा मटीरियल था कि अगर हल्का सा भी उसमें आपने थोड़ा सा जोर लगाया ना तो वो फट जाता वो वैसा वाला मटीरियल था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू बाई इट अच्छा नहीं था मटीरियल फिर मैंने ये वाली कुर्ती मंगाई थी येलो कलर की इसका मटेरियल भी सेम वैसा ही था बट हाँ इसका फिर भी स्टडी था लुक वाइज ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था एंड आप इसको जीन्स वगैरह के साथ पेयर कर सकते हो बट साइज़ अप क्योंकि ये मुझे टाइट हो गया था एंड मुझे लुक में पर्सनली अपने ऊपर मेरे बॉडी टाइप पे उतना फ्लैटरिंग नहीं लग रहा था तो फिर मैंने इसे रिटर्न कर दिया राधा दिन एक्सचेंजिंग फिर मैंने मंगाया था ये शरारा सेट ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था बहुत ज़्यादा फ़ोटो में एंड मुझे ये पहनना अगर ये अच्छा आ जाता है ना सेम फोटो जैसा था मैं इसको पक्का दिवाली पर पहनती बट ओ माई गॉड इट लुकड बट ये ऐसे लग रहा था कि मैंने ऊपर से नीचे तक ऐसे चद्दर डाल ली है इट डिड नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर वट्स एवर ऐसा स्ट्रेट था ये पूरा का पूरा एंड ये फोटो तो बिल्कुल ही डिसीविंग है ऐसा ये बिल्कुल नहीं आता इतना इल फिटेड एंड इट लिटरली लुक्ड सो चीप और ये सबसे महंगा पीस था मेरे हॉल में एंड इट वॉज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट सो डेफिनेटली डो नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन दिस इसके अलावा मैंने एक साड़ी मंगाई थी वो ये वाली साड़ी थी और गांजा साड़ी थी ये अगेन बहुत ज़्यादा चीप आई थी इसको मैं सच बता रही हूँ मैंने खोला भी नहीं था इसका मटेरियल इतना गंदा था कि मेरा मन नहीं था कि मैं खोलूँ और फिर इसे फोल्ड करके रखूँ तो मैंने इसे एज इट इज वापस करा दिया ब्लाउज मैंने ट्राई करके देखा था ब्लाउज थोड़ा सा मुझे ढीला ढीला सा था तो कप साइज़ मुझे फिट नहीं आ रहा था उसके अलावा लूज़ था वेरी इल फिटेड अगैन मुझे ऐसे रेडीमेड ब्लाउजेज़ वैसे भी नहीं पसंद आते हैं लास्ट मैंने ये ब्लैक वाला कुर्ता सेट मंगवाया था अगैन इट वॉज़ वेरी चीप वो काइट पेपर आते थे ना बचपन में जिससे हम क्राफ्ट करते थे वैसा मटीरियल लग रहा था तो मैंने ये भी वापस करा दिया मैं लिंक सारी दे दूँगी नीचे तो आप लोग देख लेना आपको क्या मंगाना है और क्या नहीं आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया ये सारे आउटफिट्स आप लोग अभी अपकमिंग दिवाली और वेडिंग सीजन में पहन सकते हो सो चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट आउटफिट आज की वीडियो से कौन सा था एंड येस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय